छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा एनकाउंटर जवान को गुड़ी में 9 माओवादी निहत घंच जंगल बंदूक मिली एसएलआर 303 315 बंदूक जबत हो दांतेवाड़ा और बीजापुर सीमार गुड़ विनिमय जारी रही दक्षिण बस्तर डिविजन माओवादी सहित गुड़ विनिमय सीआरपीएफ और डीआरजी जवान पक्ष एवं अपरेसन जारी रही दांतेवाड़ा एसपी गौरव राय सूचना देते छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा और बीजापुर सीमार एनकाउंटर जवान को गुड़ी रे 9 जन माओवादी निहत होती घंच जंगल बंदूक ठाब कर एसएलआर 303 315 बंदूक जबत हो दांतेवाड़ा और बीजापुर सीमार गुड़ विनिमय जारी रही दक्षिण बस्तर डिविजन माओवादी सहित गुड़ विनिमय सीआरपीएफ और डीआरजी जवान पक्ष एवं जारी रही सर्च ऑपरेशन दांतेवाड़ा एसपी गौरव राय एने सूचना देखते एवं ऑपरेशन जारी रही दांतेवाड़ा और बीजापुर सीमार एनकाउंटर खबर जवान को गुड़ी रे 9 जन माओवादी निहत हो पश्चिम बस्तर डिवीजन और दरबा डिवीजन के कुछ नक्सली कंपनी नंबर 2 जो गंगलूर एरिया कमेटी बीजापुर में सक्रिय है लगभग 35 से 40 के आसपास के नक्सली की संख्या की उपस्थिति की सूचना मिली थी। ये जो एरिया है वो बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है। थाना किरंदुल अंतर्गत लावा पुरंगेल एंड्री की जंगल पहाड़ी में मुठभेड़ हुआ है। मॉर्निंग में इस ऑपरेशन में संयुक्त रूप से डीआरजी बस्तर फाइटर दंतेवाड़ा की टीम एवं सीआरपीएफ 111 और 230 की यंग प्लाटून की जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। मुठभेड़ लगभग मॉर्निंग सुबह से ही 6:30 बजे से शुरू है और रुक रुक कर अभी तक चल रही है। इसमें पूरी संभावना है कि हमें नक्सली का शव भी बरामद होगा और उनका कैंप मिला है उसको ध्वस्त किया गया है और बाकी अभी मुठभेड़ जारी है तो एक बार टीम से संपर्क होगा तो विस्तृत से जानकारी। देवव्रत सानाम प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी होती अधिक सूचना पाई देवव्रत अधिक अपडेट कौन एबेबी गोली विनिमय जारी रही कि निश्चित भाव में गोली विनिमय जारी रही मुख्य सूचना रही छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा जिलार किरंदुल थाना अंतर्गत विभिन्न बीजापुर एवं दंतेवाड़ा सीमावर्ती जंगल रे वर्तमान एवं ऑपरेशन जारी रही 6 ऑपरेशन आरंभ हो तबे जहां बड़ अपडेट वर्तमान सामना को आसुची एही घटना रे 9 जन माओवादी मृत्यु घटी और घटनास्थल 12 ऊर्ध बंदूक जबत होती एसएलआर रही 303 रही 315 बंदूक रही वर्तमान सर्च ऑपरेशन संपुक्त अंचल जारी रही खोद दंतेवाड़ा एसपी पूरा ऑपरेशन को से तदारख करुछंती एवं जहां वर्तमान सूचना आसुची गोटे कैंप पश्चिम बस्तर डिविजन एवं दरबा डिविजन रो माओवादी मिलित भाव में गोटे कैंप बीजापुर एवं दंतेवाड़ा सीमार गोटे शिविर चलता खबर पाई ऑपरेशन टी आरंभ होता एवं डीआरजी जो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एवं सीआरपीएफ 230 बटालियन और सीआरपीएफ 111 बटालियन रो जवान मान पक्षर मिलित भाव ऑपरेशन आरंभ कर किरणपुर थाना अंतर्गत लाभा एवं पुरंगेल जंगल रे ऑपरेशन को आरंभ कर भोर 6 गुली विनिमय जारी रही कथा वर्तमान एसपी एवं आईजी पक्षर सूचना दि जाएगी तेरे वर्तमान सुधा संपुक्त अंचल रे ऑपरेशन जारी रही गुली विनिमय जारी रही यार भितर 9 जन मृतदेह उद्धार हो सारी सब जबत कर जहां सूचना मिलू वर्तमान कैंप रु एसएलआर बंदूक जबत होती 303 बंदूक रही जो देशी बंदूक सिंगल बोर राइफल 315 सेगुड़ी को जबत होती 12 बंदूक सह बहु विस्फोरक द्रव्य और माओ सामग्री सबू जबत होती संपुक्त अंचल में सर्च ऑपरेशन जारी रही जहां दंतेवाड़ा एसपी जहां सूचना दौले शिविर अनेक बड़ बड़ कैडर माओवादी मैंने उपस्थित रही विशेषकर पश्चिम बस्तर डिविजन और दरभा डिविजन रो एसजेसी मेंबर रही डीवीसी मेंबर रही सीसी मेंबर अर्थात केंद्रीय कमिटी रो सदस्य एवं डिविजनल कमिटी रो सदस्य एवं स्टेट जोनल कमिटी रो सदस्य मैंने उपस्थित रही कौन से एक बड़ धरण योजना माओवादी मैंने प्रस्तुत करते खबर पाई संपुक्त अंचल ऑपरेशन को लॉन्च कर
बीजापुर एवं दंतेवाड़ा पुलिस पक्ष मिलित भाव में अपरेसन लंच करे कहुपे अपरेसन शेष हाबर हूं तो मृतकों संख्या बढ़िया किंवा आउ कौन कौन सब विस्तृत भाव जबत होती सूचना मिल पार एवं मृतकों परिचय कौन जहां दंतेवाड़ा एसपी पक्ष दावा दावी कर मृतकों मध्य हूं तो बड़ बड़ कैडर थी जेहेतु एसजेडसी डीवीसी और सीसी मेंबर मैंने ठोल होते निश्चित भाव में एक बड़ सफलता निहाती भाव मिली थी पारे जहां अनुमान जेहेतु सब गुड़ी को थाना को किंवा निकटवर्ती थाना किंवा कैंप को अणाजा पर इनक्वेस्ट प्रक्रिया शेष हाप जना पड़े जो प्रकृत मृतकों मध्य किए किए सब रही जहां वर्तमान अपडेट ऑपरेशन संपुक्त अंचल जारी रही ऑपरेशन शेष हाँ कि वाइंड अप हाला ही जना पड़े मुकेश प्रकृत में मृतकों संख्या आहरी बढ़ी ना मृतकों मध्य जो नौ जन रही परिचय कौन कौन सब जबत होती तार चिठा पुलिस पक्ष प्रस्तुत कर बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत आपंकर समस्त सूचना पाई।